है कोई माई का लाल जो जहांगीर खान से टक्कर ले सके? सबके सब नामर्दर साले, चूड़ियां पहन लो हाथों में, लगता हिंदुस्तान की मौन है, मर्दों का जन्म देना बंद कर दिया है। ये तो मरा अब दादा, तीन तीन को हॉस्पिटल पहुंचा चुका है। मेरे ख्याल से ये फाइट छोड़ देनी चाहिए। अबे तूने जहांगीर की ताकत देखी है? अब पटियाले की मिट्टी का कमाल देख। लेकिन जब तक मैं इशारा ना करूं, बैट मत लगाना। तुम्हारी जरूरत है अर्जुन। आप कहां थे जब मुझे सस्पेंड किया गया था? प्लीज अर्जुन, यार ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता अर्जुन। ये पुलिस पोस्ट की इज्जत का सवाल है। प्लीज सर, मैं आऊंगा। जल्दी करना यार, देर हो रही है। अच्छा बता, लिपस्टिक कौन सी लगाऊं? नेचुरल, नेचुरल। ओके, हरी आप यहाँ। ओके बाबा। अच्छा बता, मैं ड्रेस कौन सी पहनूं? ब्लैक। इनाफ दिया। How do I look? You look absolutely jackass. अब चले। ले गई दिल वो ले गई। क्या जादू किया ना जाना, उसे देखा बना दीवाना। मेरे ख्वाबों की रानी, मेरी दीवानी पागल मुझे कर गई। दिल मेरा
चुरा कर ले गई, मुझको झटका दे गई। ओ दिल मेरा चुरा कर ले गई, मुझको झटका दे गई। क्या जादू किया ना जाना, उसे देखा बना दीवाना। मेरे ख्वाबों की रानी, मेरी दीवानी, पागल मुझे कर गई। दिल मेरा चुरा कर ले गई, मुझको झटका दे गई। ओ दिल मेरा चुरा कर ले गई, मुझको झटका दे गई। डर गई, दिल मेरा चुरा कर ले गई, मुझको झटका दे गई। ओ दिल मेरा चुरा कर ले गई, मुझको झटका दे गई। ये 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 चुरा कर ले गई, मुझको झटका दे गई। ओ दिल मेरा चुरा कर ले गई, मुझको झटका दे गई। क्या जादू किया ना जाना, उसे देखा बना दीवाना। मेरे ख्वाबों की रानी, मेरी दीवानी, पागल मुझे कर गई। दिल मेरा चुरा कर ले गई, मुझको झटका दे गई। ओ दिल मेरा चुरा कर ले गई, मुझको झटका दे गई। ले गई ले गई ले गई, दिल को ले गई ले गई ले गई। ले गई ले गई ले गई, दिल को ले गई ले गई ले गई। क्या डांस करता है यार, क्या पर्सनालिटी है। दिल करता है मैं उसके पास जाऊं, उसे गले लगाऊं और एक यूं ही किसी ले लूं। पागल हो गई है क्या, बोल रही हूँ, करूंगी थोड़ी ना। हाय किरण। क्या बात है भैया, कल रात भी देर से आए और आज सवेरे सवेरे नाश्ते की टेबल पर। ए चुप बैठना, माँ सुन लेगी। माँ सब सुन लेती है और सब समझ भी लेती है। और तुम दोनों आपस में जो खिचड़ी पकाते हो ना, वो माँ जान भी लेती है। इसीलिए तो माँ माँ होती है। माँ डार्लिंग मामा। चल चल मस्का मत लगा, नाश्ता कर। ओहो, आलू के पराठे और वो भी आपके हाथ के बने हुए। तू भूल गया, आज पापा का जन्मदिन है ना। हाँ, प्लीज डोंट क्राई। देखो अगर आप रोओगे तो फिर मैं भी रो पड़ूंगा। नाश्ता कर। ऐसे नहीं, आपको मुस्कुराना होगा। इतना नहीं, थोड़ा और प्लीज करण। ये थोड़ा, ये हुई ना बात। यू नो मॉम, यू गॉट अ वेरी सेक्सी स्माइल। चल बदमाश, चल देर हो रही कॉलेज को, बैठ। अरे लो बेटे लो, शाबाश, क्या बात।
करण, ये फूल किस लिए? हैप्पी बर्थडे डैड। ओह माय गॉड, मुझे पता नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। यस आई लव यू वेरी मच। कम ऑन लेट्स सिट देयर। और कैसे हो? एवरीथिंग इज फाइन। ठीक हूं। बैठ 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 बैठ। खुशबू भी बहुत अच्छी है। मैं आपके लिए आज स्पेशल प्रेजेंट लाया हूं। अरे इससे अच्छा प्रेजेंट क्या हो सकता है बेटे? देखो ये क्या, पराठे? आज मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन के दिन कोई मीठी चीज खिलाते हैं, पराठे नहीं। अरे कोई केक नहीं मिला था तो कुछ छोटी मोटी पेस्ट्री उठा के ले आता। यू विल लव दिस प्रेजेंट डैड। लेट्स सी इट। क्या है इसमें? लक्ष्मी के हाथ में आज भी वही जादू है। कैसी है तेरी माँ? ठीक है, आपको बहुत याद करती है, आपका जन्मदिन कभी नहीं भूलती। डैड, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे हम एक बार फिर से साथ साथ रह सके? बेटे, क्या मेरा दिल नहीं चाहता मैं तुम लोगों के साथ रहूं? मैं कैसे तुम लोगों के बगैर जिंदगी काट रहा हूं? लेकिन ये अब मुमकिन नहीं है। जब से तेरी माँ को पता चला है कि मैं चोर हूं, उसने मुझे त्याग ही दिया। वो चोरी को पाप समझती है, मैं पुण्य समझता हूँ। पुण्य इसलिए समझता हूँ कि मैं अमीरों को लूटता हूँ, गरीबों में बांटता हूँ। और बेटे, अगर तेरी माँ को पता चल गया कि तू भी मेरे साथ है, तू भी चोरी करने लगा है, मर जाएगी तेरी माँ, मर जाएगी तेरी माँ। उसे कभी नहीं बताना तू भी मेरे साथ है। नहीं बताऊंगा। लेकिन लेकिन पापा वो सब कुछ जानते हुए भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानता हूँ बच्चे, मुझे भी तेरी माँ से बेपनाह प्यार है। लेकिन मुकद्दर ने एक लकीर खींच दी है जो हमें कभी मिलने नहीं देगी। चलो, जो भगवान को मंजूर हो। वो 50 लाख का डोनेशन मैंने अनाथालय के लिए दे दिया बेटे। अब बस जल्दी से स्कूल बन जाए, बच्चे पढ़ने लगेंगे, दिल खुश हो जाएगा। सोमनाथ, ब्लड प्रेशर तो ठीक है मगर खाने पीने में जरा परहेज रखना। ये तो तू डॉक्टर पिछले 10 साल से कह रहा है। तेरा बस चले ना तो तू तो मुझे भूखा ही मार डालेगा। गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग। हेलो अंकल। हेलो बेटा। सब ठीक तो है ना? अरे इनसे क्या पूछ रही है? आई एम एब्सोल्युटली फिट। पर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं स्विमिंग के लिए जा रही हूँ पापा। जाऊं? श्योर। थैंक यू, बाय बाय। बाय बेटा। आई लाइक इट। सोमनाथ, तुम्हारी सही टाइम पे आने की जो फितरत है ना, मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक इट सोमनाथ। देवराज, तुम्हें घर पे फोन नहीं करना चाहिए था। प्रिया को पता चल जाता तो मुझे आज का दिन याद था। पैसे तो पूरे लाए हो ना? थोड़े थोड़े कम हैं, लेकिन मैं अरेंज कर दूंगा। वो क्या है कि बिजनेस की प्रॉब्लम्स की वजह से देवराज थोड़ा थोड़ा मजबूर हूँ, लेकिन मेरा विश्वास करो, थोड़ी थोड़ी मोहलत दो मुझे प्लीज देवराज। सोमनाथ, डोंट प्ले गेम्स विद मी। मैं उस खेत की मूली हूँ जो उल्टी बाहर निकलती है। मैंने जितनी रकम मांगी थी मुझे उतनी चाहिए, नहीं तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। देवराज, देवराज, मैंने हमेशा जैसा तुमने कहा, जितने पैसे मांगे मैंने तुम्हें दिए। मेरी एक गलती की वजह से इतने सालों से मुझे ब्लैकमेल करते आ रहे हो। ठीक है, तुम वो रुपया देना बंद कर दो, मैं दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। अब देवराज, प्लीज समझने की कोशिश करो, बिजनेस इज सफरिंग, मेरा सारा कैश फंसा हुआ है। मैं तुमसे वक्त ही तुम मेरे को बेवकूफ समझते हो क्या? सोमनाथ, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अगर 7 दिन के अंदर अंदर मेरी बाकी की रकम नहीं मिली तो मैं बुरा मान जाऊंगा। सेंटिमेंटल आदमी हूं ना, बात दिल पे ले लूंगा। हेलो माइकल। हाय, हाउ आर यू? बस फर्स्ट क्लास यार। घर में सब बढ़िया? एकदम चंगा। पड़ोस में? बढ़िया, बोलने बढ़िया।
आज दिन क्या माइकल? आई थिंक फ्राइडे. यू थिंक फ्राइडे? फ्राइडे नहीं, आज तेरा ड्राई डे है. ड्राई डे. ये क्या कर रहा है यार? क्यों? आज का दिन था, तूने बोला पुराना हिसाब चुकता करेगा, क्लियर करेगा. देख देख, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है. सुन यार सैंडविच, वो जो मैं बोला था ना फ्राइडे, वो आने वाला फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे. समझना यार. नेक्स्ट फ्राइडे. सॉरी 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 सॉरी. लेकिन इसमें मेरा फायदा भी था. फायदा? हाँ. फायदा कैसे? अरे यही गुस्सा, अगर मैं उसको उतारता ना तो उसकी हड्डी पसलियां तोड़ डालता, उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ता और अस्पताल का बिल मुझे भरना पड़ता. तीन चार हजार से तो बच गया मैं. क्या बात है, क्या बात है. बहुत इंटेलिजेंट निकला तू यार. पूरे कॉलेज में तू ही मुझे समझता है यार. करण आई लव यू. करण तू मुझे मानता है ना? अरे यार, है ना. सामने से प्रिया आ रही है, देख मार, चल जा और उसको आई लव यू बोल डाल. घबराता है तू? घबराती हूँ मैं? ये तो क्या बोल रही है निकी, ऐसी कोई बात नहीं है यार. ये मेरे ये प्यार मेरे बस की चीज नहीं है यार. देखने से कोई फायदा नहीं है, ये प्यार व्यार तेरे बस की बात नहीं है. तू क्या चाहता है? मैं उससे जाकर कहूँ हाय प्रिया, आई लव यू, लेकिन मैं एक चोर हूँ. इम्पॉसिबल. कम ऑन प्रिया, गो एंड टेल हिम. सिर्फ इतना ही तो कहना है, आई लव यू. हाँ, आई Love you, huh? Huh? Yeah? Yeah? तू क्या चाहता है कि प्रिया भी तेरे पास आए और तुझसे बोले? क्या बोले? हाँ? क्या बोले? क्या बोले? Hi Karan. Hi प्रिया. क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? यही मौका है, आई लव यू बोल दे. हाँ, आप ही के टेबल पे बैठिए. बैठिए. प्लीज बैठो ना. थैंक्स. आई लव यू, आई लव यू. तुम बहुत अच्छा डांस करते हो. रियली? या थैंक्स अ लॉट. मैं कुछ कहूँ? हाँ कहूँ ना. प्रिया एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बहुत दिन से बहुत महीनों से तुम पेप्सी भी होगी? हाँ, पेप्सी, पेप्सी. हाँ, I mean कुछ पीने के लिए. बहुत गर्मी है ना, और मेरा गला भी सूख रहा है एक्चुअली. हाँ, मेरा भी गला सूख रहा है. निकी, तू भी पिएगी पेप्सी? No thanks. मेरी क्लास है, मैं जा रही हूँ. कुछ नहीं हो सकता इनका. I think मेरी भी क्लास है. Okay, sure. No problem. मैं भी चलती हूँ. Okay, bye. Bye. दीदी तुम
वाह क्या कमाल दिखाया तूने, क्या कमाल दिखाया तूने, तो तूने कौन सा बड़ा तीर मार लिया यार? तू 5 साल से उस नैना के पीछे पड़ा है, उसका क्या? मेरे दुख तीरक पे हाथ रख रहा है तू? देख तेरी बात और है, मेरी बात और है। ओहो क्या तू चैलेंज करता है मुझसे? चैलेंज करता है? ओके डन, कल तक नैना मेरी बाहों में होगी, मेरी बाहों में। कहाँ आ गए बाबा, ये कहाँ आ गए, तो है भी नहीं यहाँ। ये ड्रम वरम रखे हुए रे। ओए बिड़ू किधर जा रहे ला? गोले भाई इज्जत पे हाथ मत लगाओ मेरी माँ। अरे क्या पूजा करे ला बाप, क्यों करे तुम? क्यों अरे खड़ा रहना सीधा। अपुन तो बस चेक कर रहा था कि तू कुछ गलत सामान तो नहीं लेके जा रहा अंदर। नहीं, क्या गलत सामान, के सामान कैसे गलत हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं अपना। गोला भाई किधर है? इधर से सीधा राइट माने का, जिधर गोला भाई दिखे उधर राइट माने का। चल अभी चल। गोला भाई शायद मैं गलत दिखा गया हूँ, मैं गोला भाई को ढूंढ रहा था, सॉरी है। अबे ओए अपुनी गोला भाई है। आप तो गोली बहन लगती है। अबे ओ खुजली, लेकिन काम तो भाई का करती हूँ ना, लोगों के प्रॉब्लम्स को ऐसा गोल करती हूँ, इसलिए तो लोग अपन को गोला भाई बोलता है, समझा कि नहीं? चल वो छोड़, तू बता तेरा क्या मैटर है? मेरा गोला भाई ऐसा है ना, बिल्कुल फिल्मी मैटर जैसा है। हीरोइन को विलन छेड़ता है, हीरो भाग कर आता है, विलन को मार के हीरोइन को बचाता है, उसको इम्प्रेस करता है, ऐसे ही कुछ अपन को। ओए होए, ये सब करने की क्या जरूरत है? अपन तो तेरे पे ऐसे ही फिदा है। क्या बोलता है मेरे डम्बर? अरे कुछ नहीं करने का, आराम से बैठने का, ऐश करने का ऐश। नहीं तेरी वो छिपड़ी के अपने से ज्यादा हसीन है, हाँ बोल। नहीं नहीं नहीं, आपसे ज्यादा क्या हसीन सकती है? वो क्या हिंदी में कहावत है ना, दिल लगा गधी पे तो परी क्या चीज है। ओए होए, अपना भी ऐसा ही कुछ हाल है। तो क्या मतलब मैं गधा हूँ? अरे ओए मेरे चिकने, टेंशन में आ गया क्या? अब उन मजाक कर ला था, माल लाया क्या? माल लाया ना। ठीक है जा, 10 बार जमा करा दे। ये जो अपने जो है ना बच्चे, कल म्युनिसिपैलिटी के गार्डन में पहुंचेंगे, तेरी जो छमिया है ना, उसके इज्जत पे हाथ डालेंगे। तू उधर पहुंच के उसको बचा लेना, सिंपल। थैंक यू। मगर इतने छोटे से काम के लिए गोला भाई इतने पैसे? इधर आ इधर आ। काम छोटा है ना, लेकिन तेरा फायदा कितना बड़ा है, है ना? लड़की तो बटेंगी और तू बन जाएगा हीरो। तेरी तो बता था कि नहीं आएगा। अरे हाय। आओ। ओह। सॉरी। चलता है। करत। हाँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो ना। मैं तुम्हारे I'm sorry, प्रिया।
प्लेन की वजह से मैं कुछ सुन नहीं पाया। हाँ ठीक, मैं फिर से कहती हूँ करण। हाँ आई यार निकल ले। अरे निकी शट अप प्रिया, निकी रुक ना, कुछ नहीं होता। आया बड़ा प्यार करने वाला, मैंने कहा था उससे, लेकिन पहले प्लेन आ गया और उसके बाद तुम्हारी ट्रेन निकल गई। बेल बज गई निकी, शट अप प्रिया। निकी प्लीज निकी, आई चाहते बेताब है, आंखों में ये ख्वाब है, थोड़ी सी है दूरियां और कुछ मजबूरियां। कहूं के प्यार है, ये तो है मुश्किल मेरी, कैसे कहूं के प्यार है। कह रही हाथों की मेहंदी, कह रही है चूड़ियां, कह रही हाथों की मेहंदी, कह रही है चूड़ियां, शर्म सी आती मुझे, कैसे कहूं के प्यार है, शर्म सी आती मुझे, कैसे कहूं के प्यार है। हर घड़ी शामों सहर रास्ता देखा करूं, कब मिले कैसे मिले बस यही सोचा करूं। इस मोहब्बत की कसम, अब दुआओं में सनम, बस तुझे मांगा करूं। कह रही है बेकरारी, हाँ कह रही है बेकरारी, कह रही दीवानगी, ये तो है मुश्किल मेरी, कैसे कहूं के प्यार है।
रहा मौसम का जादू, कह रही है वादियाँ। शर्म सी आती मुझे, कैसे कहूँ कि प्यार है। हाँ ये तो है मुश्किल मेरी, कैसे कहूँ के प्यार है। गोला भाई ने तो बोला था यही जगह है बाबा, पर यहाँ तो कोई नहीं है। बब्बन भाई का भी एक गेम पेंडिंग है दोस्त, चल पहले उसी को बजा के आते हैं। चल ए बिडू, क्या मर्सिडीज है बाप, ये सही माल है बाप। चलो गेट डालते हैं, चलो चलो। दो बोले थे तीन आ गए, क्या बात है, गुंडागर्दी में भी ईमानदारी है भाई। अब कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। क्यों नहीं आएगा बे, ज्योतिष की औलाद। चल बे, यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है। क्या डायलॉग बोल रहा है, टीवी सीरियल में काम करता क्या? ओए दिमाग खराब हो गया तेरा। अबे दिमाग तो तुम लोगों का खराब हो गया है, मासूम सी प्यारी सी खूबसूरत लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हो। चल निकल यहाँ से। चाहता है कि काट डालूं? अबे काट डालूं, तीर डालूं, फोड़ डालूं, पुरानी बात हो गई है। अभी निकल ले यहाँ से, नहीं तो नहीं तो नहीं तो पैसे पहुंचा है ना लड़की के सामने, कुत्ते की तरह मार रहा है, पैसे पूरे नहीं दे तेरे को। कौन सा पैसा भी, कब दिए थे? झूठ बोलता है, झूठ बोलता है तू कमीने कुत्ते। थैंक यू वेरी मच सैंडविच। यू वेलकम। अच्छा हुआ तुम यहाँ थे, वरना मैं जीवन को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। अरे मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये जीवन कौन है? मेरा मंगेतर, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। आज तुमने एक बहन की रक्षा की है, भगवान तुम्हें बहुत सारी बहनें दी। मैं चलती हूँ, जीवन मेरी वेट कर रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू। हाय प्रिया। प्रिया ये सोनिया है, सोनिया ये प्रिया है। हाय सोनिया। हाय प्रिया। नाइस कैच। आई एम सोनिया, सोनिया जेली। करण, करण राजवान। कैन आई प्ले? श्योर, नो नो प्रॉब्लम। बाल खींच के इसकी आंखें नोच लूं। क्या कह रही हो, पागल हो गई हो क्या? देखना निकी, ये तो मैं जरूर करूंगी। यू नो व्हाट, तुम चाहो तो हम दोबारा भी खेल सकते हैं। श्योर, एनी टाइम यू से। टेक केयर, बाय। आई वांट यू टू नो समथिंग, प्रिया करण से प्यार कर गया। तुम उससे दूर ही रहो तो अच्छा है। यू नो निकी, ये जोकिंग, करण को देखकर ये नहीं लगता कि वो प्रिया से प्यार करता है, उसे तो किसी स्मार्ट और सेक्सी लड़की के साथ होना चाहिए, जैसे कि मैं। यू नो सोनिया, यू रियली वेरी चीप। शट अप प्रिया,
मैं लड़कों की पसंद और नापसंद को अच्छी तरह से जानती हूँ। यू जस्ट वेट एंड वॉच अरुण विल बी माइन। हेलो करण साहब, कैसे हैं? आजकल बाप से भी बात करने की फुर्सत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है डैड। ऐसी बात लग रही है, बेटे के दिल में जो होता है ना वो बाप के दिल में पहले पहुंच जाता है। किसी लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं? कोई नहीं है पापा। खैर कोई बात नहीं, तुम वापस आ जाओ, फिर तुमसे बात करता हूं। वापस कहां से? देखो दिल्ली में वो लोकेश चंद्रा मिनिस्टर है ना, सुना उसने काफी माल बना लिया है, तिजोरी भर ली है उसने। लगता है माँ को वृंदावन के दर्शन कराने ही पड़ेंगे। समझ गया ना डैड? समझ गया बच्चे। जिस दिन चोरी हुई उस दिन तुम अपनी माँ के साथ वृंदावन में थे। हाँ करेक्ट डैड। अच्छा मैं रखता हूँ। ओके जीते रहो, गॉड ब्लेस यू। जय जगदीश हरे। अरे करण तू यहाँ? हाँ माँ। ये सूरज आज कहाँ से निकला? तू मेरे मुरली मनोहर के सामने? मेरे नहीं माँ, ये तो सबके हैं। माँ मुझे सब समझ में आ गया है, ये दुनिया इन्हीं की लीला है, इन्हीं की वजह से रात होती है, दिन होता है ना माँ? हाँ। ये आज तू ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है बेटा? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ माँ, मैंने एक फैसला किया है। फैसला? कैसा फैसला? तुझे वृंदावन धाम जाने की बहुत इच्छा थी ना? हाँ। और तू ही कहती थी कि भागवत में लिखा है कि जो वृंदावन धाम के दर्शन कराता है उसे चारों धाम के दर्शन का फल मिलता है। वो तो है। तो फिर बस हम कल वृंदावन धाम जाएंगे। किशन कन्हैया, ओ मेरे राम रमैया, ओ मेरे किशन कन्हैया, ओ मेरे राम रमैया। फंसी है भवसागर के बीच में आके इस जीवन की नैया, इस जीवन की नैया लगा दे पार ख भैया, ओ मेरे किशन कन्हैया लगा दे पार ख भैया, ओ मेरे किशन कन्हैया। ये जग है भूल भुलैया, एक तू राग दिखैया, ये जग है भूल भुलैया, एक तू राग दिखैया। फंसी है भवसागर के बीच में आके इस जीवन की नैया, इस जीवन की नैया लगा दे पार खवैया, ओ मेरे किशन कन्हैया लगा दे पार खवैया, ओ मेरे किशन कन्हैया। मदन
सब संग गाए चरैया, सुनो बलराम के भैया, वालो संग गाए चरैया, सुनो बलराम के भैया। फंसी है भवसागर के बीच में आके इस जीवन की नैया, इस जीवन की नैया लगा दे पार के भैया, ओ मेरे किशन कन्हैया लगा दे पार के भैया, ओ मेरे किशन कन्हैया। अब नेताओं के घरों में भी चोरी और डकैती, हर शहर में अपने कारनामों से वो हमारी पुलिस फोर्स का मुंह काला कर चुका है। दिल्ली पुलिस फोर्स के इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो आदमी अब तक बॉम्बे में ही है। ये आदमी अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? ये चोर बहुत ही चालाक है सर, एक भी सबूत नहीं छोड़ता है, मुश्किल से मिनटों में खोल देता है सर। ये इज अ मैजिशियन। इंस्पेक्टर अजीत, आप उस क्रिमिनल की तारीफ करके हमारी पुलिस फोर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। आई एम सॉरी सर। What a shame! हमारी इतनी बड़ी पुलिस फोर्स में एक भी ऐसा ऑफिसर नहीं है जो इस क्रिमिनल को अरेस्ट कर सके। मैंने यह फैसला कर लिया है कि यह काम केवल एक ही आदमी कर सकता है, सीबीआई ऑफिसर अर्जुन सिंह। जागीर, 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 जागीर। ये जहांगीर कौन है? पाकिस्तान का बड़ा ही नामी फाइटर है। है कोई माइक का लाल जो जहांगीर खान से टक्कर ले सके? सबके सब नामर्दर साले, चूड़ियां पहन लो हाथों में, हिंदुस्तान की मौन है, मर्दों का जन्म गाना बंद कर दिया है। ये तो मरा अब। दादा, तीन तीन को हॉस्पिटल पहुंचा चुका है, मेरे ख्याल से ये फाइट छोड़ देनी चाहिए। अबे तूने जहांगीर की ताकत देखी है? अब पटियाले की मिट्टी का कमाल देख। लेकिन जब तक मैं इशारा ना करूं, बैट मत लगाना। तुम्हारी जरूरत है।
आप कहाँ थे जब मुझे सस्पेंड किया गया था? प्लीज अर्जुन, यार ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता है अर्जुन, ये पुलिस पोस्ट की इज्जत का सवाल है, प्लीज। पांच का मैं आऊंगा। थैंक यू। क्या बात है सर, आपके सस्पेंशन ऑर्डर के बाद भी आपको बुला लिया गया? ये मेरा डिसीजन नहीं है। लेकिन जिस चोर को अपने पूरे देश की पुलिस फोर्स नहीं पकड़ पाई, क्या आप उसे पकड़ पाएंगे? 100% वो बहुत चालाक है सर, कोई भी सबूत नहीं छोड़ता। आपका क्या प्लान है? वुड यू लाइक टू टेल अस, या आप भी पब्लिक को झूठी तसल्ली देंगे? आप लोग शायद मेरे रिकॉर्ड से वाकिफ नहीं है, कोई ऐसा केस ही नहीं जिसे मैंने सॉल्व ना किया हो। और रहा सवाल इस चोर का, मैं वादे से कहता हूँ कि 10 दिन के अंदर वो सलाखों के पीछे होगा। अरे छोड़ो, अरे मेरी रिवॉल्वर कहाँ है? अरे वो तो हमेशा आपके सराहने के नीचे रहती है ना। कहाँ है? हाँ मैं देखता हूँ। दादा आपके लिए कोई पार्सल छोड़ के गया है दरवाजे पे। अरे ये तो आपकी है। गुड मॉर्निंग अर्जुन, आप समझ तो गए होंगे कि मैं कौन हूं। आज जो हुआ सिर्फ एक ट्रेलर था, कल टीवी में आपकी बात सुनी, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। किस्मत की बात है कि आज के 10 दिन बाद होटल डेवलपमेंट डायमंड का एग्जीबिशन है, मैं वहां आऊंगा। बात समझ में आई? नहीं आई, समझ जाओगे। वाह क्या निशाना लगाता है। कम ऑन डैड, अब तक मुझसे अपसेट है। तुम्हें अर्जुन सिंह के घर जाने की जरूरत क्या थी? तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई डैड, व्हाट्स द प्रॉब्लम? पर बच्चे तुम्हें अपना प्लान लिखकर उसके पास छोड़ने की जरूरत क्या थी? ये चोरी नहीं करेंगे हम। क्या चोरी नहीं करेंगे? डैड इस चोरी की तैयारी हम 4 महीने से कर रहे हैं। ओके तो क्या हुआ? नहीं डैड, वी हैव टू डू दिस। व्हाई? और वो कैंसर हॉस्पिटल को जो वादा किया था डोनेशन देने का, व्हाट अबाउट दैट? डोनेशन देने का वादा तो किया है बच्चे, ठीक है तेरे साथ मैं भी चलूंगा। नो वे डैड, आप नहीं आ रहे। अरे पागल, तेरा मुकाबला अर्जुन सिंह के साथ है। नथिंग डूइंग डैड, मैं इस चोरी में अकेले जा रहा हूँ, फाइनल। ओके और अब मैं लेट हो रहा हूँ, माँ मेरा इंतजार करिए, टेक केयर, बाय। जी व्हाट एन अग्ली कलर, आपका कलेक्शन कितना बोरिंग है। जी कुछ एक्साइटिंग दिखाइए ना, जिसे देखकर सारे लड़के पागल हो जाए। सारे नहीं स्टूपिड, सिर्फ एक ही लड़का। मैं समझ गया मैडम, अभी दिखाता हूँ, एक मिनट। ये ड्रेस आप पे बहुत जचेगा मैडम, देखने वाले दिल थाम के रह जाएंगे। How dare you? एक तो ड्रेस इनके लिए चाहिए और हमें पार्टी के लिए ड्रेस चाहिए, कोई स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं। स्टूपिड जाओ, पागल हो गया। सुपर स्टूपिड। Wow. Excuse me. Yes, ma'am. Nice dress. क्या कीमत है इसकी? 10,000, ma'am. Oh. लेकिन पहले मैंने इसे देखा था। हाँ, that hardly matters. मैं इसकी दुगनी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। 20,000. 30,000?
50. प्रिया क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या? सिर्फ भाव बढ़ा रही हूँ, खरीदूंगी थोड़ी ना. 80. पूरे 1,00,000. आई विन पैकेट. ओके मैम. और हाँ मिस प्रिया आर्य, जीतना मेरी आदत है. एंड बाय द वे, फेयरवेल पार्टी में करण मेरे साथ आएगा. बाय. करण अब तक नहीं आने की. आ जाएगा, हीरो की एंट्री सही टाइम पर होती है, हीरोइन के साथ. निकी, सोनिया शर्त जीत गई. निकी, करण उसी के साथ आया है, इसका मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करता. He doesn't love me. प्रिया, कंट्रोल योरसेल्फ. प्रिया यार, करण मामला कुछ जमा नहीं है. तो जमा ले. जमा लो. अरे हो जमालो, जरा मुझको संभालो, जवां महफिल सजालो, जमालो हो जमालो. किया है प्यार मैंने एक लड़की से, वो ना था मेरे दिल की बातें जाने ना. हे हो जमालो, जरा मुझको संभालो, जवां महफिल सजालो, जमालो हो जमालो. किया है एक लड़की से, वो नादान मेरे दिल की बातें जाने ना. सवालों में, मेरे जवाबों में तू छुपी है, मेरे ख्यालों में, आंखों में, ख्वाबों में तू बसी है. मेरे सवालों में, मेरे जवाबों में तू छुपी है, मेरे ख्यालों में, आंखों में, ख्वाबों में तू बसी है. तू मेरी यादों में, तू मेरी चाहत की चांदनी है, तू मेरी सांसों में, तू सिर्फ मेरे लिए ही बनी है. मेरे होठों पे तेरा फसाना बना तेरे लिए मैं दीवाना. मुझे कितनी मोहब्बत है तुझसे, मेरे दिल पर नहीं तूने जाना. अरे हो जमालो, जरा मुझको संभालो, जवां महफिल सजालो, जमालो हो जमालो. किया है प्यार मैंने एक लड़की से, वो नादान मेरे दिल की बातें जाने ना. झूल गई मैं, तुझे मिला
मुझको सारे जमाने को भूल गई मैं, आके बना हूँ मैं तेरी ही बाहों में झूल गई मैं, चाह के बनो में मैंने तो तेरा ही रंग सजाया, तन्हा अकेले में मैंने तो तुझको ही अंग लगाया, मुझे तूने जो अपना बनाया, मेरे सपनों को सच कर दिखाया, बात बरसों जो दिल में छुपाई, राज वो आज सबसे बताया। जमालो जरा मुझको संभालो, जब महफिल सजा लो, जमालो हो जमालो, ये क्या? मैंने सुना है उड़ता हुआ पंख अगर पकड़ लो तो दिल से जो भी मांगो वो मिल जाता है। तुमने क्या मांगा? मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। करण, I really love you. I love you too. लेकिन मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है, अपने बारे में। प्रिया, प्रिया मैं एक हाँ डैड, हाँ सब ठीक है। नहीं डैड, आप वहां नहीं आ रहे। नहीं डैड, आपने प्रॉमिस किया था, आप वहां नहीं आ रहे। ओके या ओके बाय। क्या हुआ करण? प्रिया मुझे जाना पड़ेगा, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, लेकिन मैं कल तुम्हें जरूर मिलूंगा। ओके ओके बाय। सर, एग्जीबिशन 8th फ्लोर पर है, 7th और 9th फ्लोर्स दोनों खाली करवा दिए हैं। तीनों फ्लोर पर स्पेशल फोर्स की एक-एक यूनिट है, ऑल आर शार्प शूटर्स। होटल के स्टाफ और गेस्ट को कह दिया कि वो ऊपर ना जाएं। गुड। और अगर वो चोर ऊपर पहुंच भी गया तो दरवाजा बिना फिंगरप्रिंट्स और आई स्कैन के खुलेगा नहीं, और अगर वो गलती से कमरे के अंदर दाखिल भी हो गया तो सेफ खुलना नामुमकिन है। टेरिफिक अरेंजमेंट्स, लेकिन वो चोर पकड़ा नहीं जाएगा। आपका मतलब वो आएगा नहीं? हाँ अर्जुन, तुमसे टक्कर लेना नामुमकिन है। नहीं सर, वो जरूर आएगा। ऑल द बेस्ट। ये क्या 5-star होटल है? यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय यस सर? आपने क्या वॉशरूम की हालत देखी है? वॉशरूम? यस। चलिए मैं देखता हूँ। प्लीज कम। अपनी जगह से नहीं हिलेगा, नहीं तो इसे गोली मार दी जाएगी। ले उसे आगे ले आओ, हरी अप। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, इसे गोली मार दी जाएगी। डोंट मूव, ड्रॉप योर गन्स, चलो चलो की चलो। कोई चालाकी नहीं चलेगी। एक साइड हो जाओ, ऑन ऑन हरी अप। Attention all floors, attention all floors. Red alert. Lobby manager उनके कब्जे में है, वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं लिफ्ट नंबर 2 से। Get them. Move. Thank you.
Yes. हमने तीनों को पकड़ लिया है. Okay, fantastic. Right, sir. उन तीनों को नीचे ले आओ. चलो. जरूर, इस कामयाबी का पूरा श्रेय अर्जुन सिंह को ही जाता है. हमारे डिपार्टमेंट का सबसे काबिल ऑफिसर है वो. इंस्पेक्टर अजीत. यस सर. कहाँ है अर्जुन सिंह? यही तो थे. रिवॉल्वर लौटाने का शुक्रिया. ट्रेलर तो तुम दिखा चुके हो, अब पिक्चर मैं दिखाता हूं. पापा ने सही कहा था, तुमसे लड़ना बहुत मुश्किल होगा. मैंने आपको मना किया था ना. मेरा आना जरूरी था, बहुत जरूरी था. करण. डैड. करण, जल्दी निकल जाओ यहां से. कम ऑन डैड, लेट्स गो. जल्दी निकल जाओ, पुलिस आ रही है. पापा, पापा आपको तो गोली लग गई है. मैंने कहा था ना आपको नहीं आने को. पापा, कोई है? कोई है? एम्बुलेंस. Please, please try I'm to sorry. save doctor, please. I beg of you, doctor, please. मैं कुछ नहीं कर सकता. भैया, भैया ये सब क्या हो गया? पापा, मामा, ये सब क्या हो गया? लक्ष्मी, तो अभय लक्ष्मी मेरी सांस अटकी हुई थी,
के तू आ जाए, तू अपनी जबान से कह दे कि तूने मुझे माफ कर दिया, कि तूने मुझे माफ कर दिया। लक्ष्मी कह दो मुझे माफ कर दिया। लक्ष्मी आरोपी के पिता रघुवीर राजवंश के इकबाले जुर्म और प्रस्तुत सबूतों के आधार पर यह अदालत करण राजवंश को चोरी में अपने पिता का साथ देने के लिए इंडियन पिनल कोड 348 के तहत 2 साल कठोर कारावास की सजा सुनाती है। माँ, हम करण भैया से कब मिलेंगे? तू उसका नाम मत ले मेरे सामने। माँ, लेकिन वो तुम्हारा अपना बेटा है। अपना है इसलिए तो ज्यादा दुख है। तो ये ले जा, मैं आती हूँ। अब हम इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? भगवान की दुनिया बहुत बड़ी है बेटे, कहीं ना कहीं तो सर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। कहीं ना कहीं का क्या मतलब है? क्या मैं मर गया हूँ? नहीं बेटे, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। कैसी बातें कर रही तू? तू तो हमेशा कहा करती कि तेरे 2 बेटे हैं, क्या इस बेटे का फर्ज नहीं बनता कि तेरे ख्याल रखे? मुझसे मेरा हक मत छीनना प्लीज। अब मेरे साथ चलो, मैं कुछ सुनने जा रहा हूँ। चलो 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 चलो। नहीं भैया। माँ जी आइए। तुम्हारे अच्छे चाल चलन की वजह से तुम्हें 3 महीने पहले रिहा किया जाता है। थैंक यू वेरी मच सर। माँ, तूने अपने करण को अब तक माफ नहीं किया। हे भगवान, मैं तुम्हारे सामने आज अपनी मां के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे मां के दिल को थोड़ी सी भी ठेस पहुंचे। भैया किरण, तुम बोलते क्यों नहीं?
प्लीज टॉक टू मी करण। मुझे पता है कि तुमने ही फोन किया था, लेकिन उनसे बात क्यों नहीं की? कितनी अजीब बात है माइकल, आज जब मैं सच का साथ देना चाहता हूं तो किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। यार इतने बड़े शहर में मुझे एक नौकरी तक नहीं मिल सकती। यार जब तक तू लोगों को बताता रहेगा कि तू सजा काट के आया है, तुझे नौकरी देगा कौन? वो सब छोड़ यार, मुझे कल की फिक्र लगी है। कल राखी है और किरण को गिफ्ट देने के लिए मेरे जेब में एक पैसा तक नहीं है। यार करण, तूने चोरी छोड़ी है ना, फाइट तो नहीं? मतलब चोर, तू चल मेरे साथ, चल। दोस्त सब कुछ सेट हो गया है क्या? अपने को 500 के 5000 मिलने वाले, बस खाली सामने ये जो लल्लू खड़ा है ना, तेरे को उसको गिराने का खाली, और ये तो तेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो समझ नहीं रहा यार, अगर मुझे जरा सी खरोच भी आ गई ना तो माँ समझेगी मैं फिर से गलत रास्ते पे चल पड़ा हूँ। दोस्त इसके अलावा और कोई रास्ता है अपने पास? नहीं ना, ठीक है ना। और सुन, तोड़ तोड़। अरे तो खाली देख यार, वो चिकने हो गया, दोनों से ढूंढा लेगा यार। ये क्या बात हुई प्रिया? This is not done. सारी तैयारियां हो चुकी हैं और तू अब तक? नहीं निकी, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करना। लेकिन क्यों? मुझे पता है कि करण वापस आ गया है और वो मुझे अवॉइड कर रहा है। प्रिया सब कुछ अधूरा सा लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। देखिए मैंने करण को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, हमेशा। कम ऑन प्रिया, कहते हैं सच्चे दिल से प्यार करने वाले अपने बर्थडे पर जो कुछ भी मांगे ना वो उन्हें मिल जाता है। और ये तेरे लिए एक छोटा सा तोहफा। भाई का कोई तोहफा छोटा नहीं होता, ये तो उसका प्यार है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। हाँ भैया ये क्या इतना महंगा सेट?
पर माँ हमने तो सिर्फ पाल ही ली थी। करण कहीं बॉक्स बदल तो नहीं गया? सर्वे जी क्या कार्ड है? लगता ही नहीं कहीं देख रहा यार जिसका भी है। मिस्टर सोमनाथ आर्या, मैं हूँ। कैन आई हेल्प यू? या सर, लगता है हमारे गिफ्ट एक्सचेंज हो गए। मेरा गिफ्ट आपके पास है और आपका नेकलेस मेरे पास। ओह माय गॉड, व्हाट अ मिस्टेक। मैं किन लफ्जों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। एक्चुअली ये गिफ्ट मैंने प्रिया के लिए लिया था, सरप्राइज फॉर हर बर्थडे। देखा तुमने? थैंक यू वेरी मच मिस्टर करण। थैंक यू भाई, हमें इनका एहसान मानना पड़ेगा। एहसान करना तो इनकी पुरानी आदत है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अंकल, करण हमारे कॉलेज का सबसे ब्राइट स्टूडेंट था। रियली? क्या करते हो तुम करण? सर अभी तो फिलहाल मैं काम की तलाश में हूँ। ओह, तो अभी इसी वक्त से तुम्हारी तलाश खत्म। कल सुबह तुम मेरे ऑफिस में आओ। सर इससे पहले कि आप कोई डिसीजन लें, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं चोरी के इल्जाम में 1 साल की सजा काट कर आया हूँ। ये जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी शरीफ आदमी उनसे किसी भी तरह का रिश्ता रखना चाहेगा। मैं चलता हूँ सर। करण एक मिनट। देखो करण, तुम्हारा अतीत क्या है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जो शख्स आंख से आंख मिलाकर सच्चाई का सामना कर सके वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। मुझे तुम पर पूरा कॉन्फिडेंस है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे लिए काम करो। आई वॉन्ट यू टू वर्क फॉर मी। थैंक यू सर, मैं कल सुबह आपके ऑफिस में आता हूँ। गुड, गुड नाइट सर। गुड नाइट। इंप्रेसिव फाइल। थैंक यू सर। करण, आई लाइक ऑनेस्ट पीपल, और तुमने अपनी ईमानदारी प्रूव कर दी है। आज से तुम हमारी कंपनी के एक्सपोर्ट डिवीजन के इंचार्ज। सर मैं सर आई मीन इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें वही मिल रहा है जो तुम डिजर्व करते हो। मुझे भी एक ऐसे आदमी की तलाश है जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर सके। सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। आई एम श्योर यू विल। थैंक यू सर, मैं अब चलूं। ओके, कल 10 बजे मिलते हैं। यस सर। और करण, जाने से पहले नीचे सिंह साहब से इस महीने की तनख्वाह एडवांस में ले जाना। एंड नो नो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ? तूने देखा नहीं कि उसने किस बेरुखी से मुझे विश किया? आज तो कोई एहसान कर रहे मुझ पर। I don't believe this. He's not the same Karan. लेकिन मैं भी उसे बता दूंगी कि मैं भी उसे बिना खुश रह सकती हूँ। He can go to hell. Okay, let's go. कहाँ? Karan के पास। उसे जाके बताते हैं that he can go to hell. You can live without him and you can live happily without him. Let's go. बोल रही हूँ, करूंगी थोड़ी ना। तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हारी बहन अमेरिका से आ रही है, तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब है, और हाँ सिंह साहब जी, आपके नाना नानी की तबीयत खराब है, आपको हॉस्पिटल जाना है। किसी ने कोई गड़बड़ की ना तो उसे नौकरी से निकलवा दूंगी, समझे? जी समझ गए।
पापा, what is this? आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आप मुझे डिनर पे ले जा रहे थे ना? You had promised me. डिनर? प्रॉमिस? मैंने कब किया था बेटा? आपने, आपने किया था ना प्रॉमिस? Don't tell me आप भूल गए. I'm so sorry बेटा, वो काम इतना था कि मेरे दिमाग से निकल गया कि मैं डिनर मतलब डिनर. एक मिनट बेटा, एक मिनट. I know कि तुम्हारा डिनर तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मेरी मीटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना इसका. हाँ, मैं एक एस्कॉर्ट भेज देता हूँ तुम्हारे साथ. तुम्हारी कंपनी भी हो जाएगी, डिनर भी हो जाएगा. पापा, व्हाट इज दिस पापा? बेटा, टू मच वर्क बेटा. ओके ओके, ठीक है, लेकिन कौन आएगा मेरे साथ? ये हुई ना बात. हाँ मनीष, जरा ऊपर आना. मनीष, मनीष जाएगा तुम्हारे साथ. मनीष. सर, मेरी बीवी का फोन आया था, मेरी पड़ोसन बीमार है. नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये सर कि मेरी पड़ोसन का फोन आया था, मेरी बीवी बीमार है. मैं जा सकता हूँ सर? सर, मैं घर जाना चाहता हूँ, प्लीज. मेरी माँ बहुत बीमार है सर. सर, मेरी बहन अमेरिका से आ रही है, मैं उन्हें लेने स्टेशन जा रहा हूँ. मेरा हॉस्पिटल बीमार है, नाना नानी को जाना है. बोलिए बोलिए. क्या बोला ये? वो मुझे नौकरी से मत निकालिए. अरे नहीं नहीं सिंह साहब, मैं आपको नौकरी से क्यों निकालूंगा? पापा, व्हाट इज दिस पापा? मेरे बाल नहीं है, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं. आप जाइए यहाँ से, आप जाइए ना पापा. आ जाओ जाओ जाओ. क्या हो रहा है आज सबको? पापा, आपके चक्कर में मेरा डिनर तो रह गया ना. शायद मेरी किस्मत ही खराब है. शादी तुमने की ही नहीं तो बीवी बीमार हो ही नहीं सकती. फैंटास्टिक. ये रही मेरी गाड़ी की चाबी, तुम प्रिया को डिनर पर ले जा रहे हो. लेकिन सर, जस्ट डू इट. बैठिए मैम. तुम इतनी बेरुखी से क्यों बात कर रहे हो? सर, प्लीज गिव अस सम टाइम. ओके. हम यहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए आए हैं. सर ने तो इसीलिए भेजा है. कम ऑन करण, तुम्हें अच्छी तरह पता है हम यहाँ किस लिए आए. तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, मेरी कॉल्स तक रिसीव नहीं करते. यू नो यू आर हर्टिंग मी. आई एम सॉरी प्रिया, लेकिन मैं बीते हुए कल को. तुम किस बीते हुए कल की बात कर रहे हो करण? ना मैं उसे भुला पाई हूं और ना ही तुम. तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, और सच तो यह कि तुम भी. सच तो यह है प्रिया कि तुम्हारे लायक ना मैं पहले था ना आज हूं. तुम्हारे पापा के बहुत एहसान है मुझ पर, और मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता. देखो करण, ये सब बेकार की बातें हैं. तुम मुझे इतना बता दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं. तुम जानते हो कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि मैं. फिर भी अगर तुम्हें हिम्मत है तो कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते. मैं तुम्हारी जिंदगी से फिर हमेशा के लिए चली जाऊंगी. मुझे मालूम था तुम नहीं बोल पाओगे. बेहतर यही है कि तुम सच बोल दो. बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो. Say that you love me. तुम नहीं बोलोगे? तुम नहीं बोलोगे? तुम नहीं बोलोगे? प्रिया प्लीज संभालो अपने आप को. तुम बोलते हो कि नहीं?
प्रिया बोल रहे हो कि नहीं? स्टॉप इट यार, सब 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 देख रहे हैं। प्रिया तू बोल रहे हो कि नहीं? प्रिया प्लीज प्लीज, I can't live without you Karan। तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर। ओ कह दे यार, ओ सोनी कुड़ी नूं रुलाना अच्छी गल नहीं हुंदी। What's your problem? Say it, man. प्रिया, I love you. I love you. I love you. से मिल ही गया, छाया है बेताबी का रंग नया। मैं हूँ तेरा रोमियो, तू है मेरी जूलियट, चल कहते जमाने से तेरी मेरी लव स्टोरी जिस फिल्म में आएगी गी, गी, वो फिल्म तो गोल्डन जुबली मनाएगी, वो फिल्म तो गोल्डन जुबली मनाएगी।
मेरा दिल दिल से मिल ही गया छाया है बीता बीता रंग नया मैं हूँ तेरा रोमियो तू है मेरी जूलियट चल कहते जमाने से तेरी मेरी लव स्टोरी जिस फिल्म में आएगी गी, गी, गी। वो फिल्म तो गोल्डन जुबली मनाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम यूं खुलेआम इस और तुम पर तो मैंने भरोसा किया और तुमने पापा इसमें करण की कोई गलती नहीं है और मैंने ही एक्चुअली मेरा मतलब है हम कॉलेज से ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं नहीं सर एक्चुअली इसमें प्रिया की कोई गलती नहीं है इसमें मेरी नहीं गलती तुम दोनों की नहीं है बल्कि गलती तो मेरी जो मैंने तुम दोनों को इस तरह यूं खुलेआम घूमने की इजाजत दी अगर आज मैं तुम दोनों को इस तरह अपनी आंखों से नहीं देख लेता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरी बेटी की पसंद इतनी अच्छी है पापा आई लव यू इसीलिए मैं चाहता हूं तुम लोगों की एंगेजमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए हाँ सो Here's another toast to your beautiful love. Cheers. क्या ख्याल? सर, मुझे नहीं मालूम मैं प्रिया के काबिल हूँ या नहीं. Oh, come on now. लेकिन जैसा आप ठीक समझे. क्या हो गया था तुम्हें बेटा करण मालूम नहीं सर अचानक अंधेरा सा छा गया और चक्कर सा आ रहा है ऐसा पहले कभी हुआ एक दो बार पहले हुआ था सर यू शुड नॉट टेक इट लाइटली बेटा लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए मैं कल सुबह डॉक्टर ओबराय के साथ तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स कराता हूँ यू मस्ट गो एंड सी हिम या जी सर ओके करण थैंक यू डॉक्टर ओके एक दो दिन में रिपोर्ट ले जाना अरे तू कहाँ रह गया था तुझे पता है अपनी किरण के लिए रिश्ता आया है What? बहुत अच्छा लड़का है उसके माता पिता भी बड़े अच्छे हैं बहुत बड़े लोग हैं उनके अपनी कोठी है गाड़ी है सब कुछ है इतने बड़े लोग हैं मगर हमसे कोई डिमांड नहीं मैं तो बस अपनी मुरली मनोहर का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी किरण के लिए ऐसा रिश्ता आया है अरे माँ हमारी किरण है ही ऐसी लड़की जिसको देखकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं क्यों किरण अरे भाई तो शर्मा रही है अपनी शादी की बात सुनके ना हर लड़की शर्माती है वैसे वे लोग 2 महीने में शादी करना चाहते हैं 2 महीने सिर्फ 2 महीने किरण हमारे साथ है फिर चली जाएगी भैया मुझे कहीं नहीं जाना कहीं नहीं जाना दूर कौन सा जा रही है हम जब चाहे मिल लेंगे और क्या जब तू याद करेगी तब हम हाजिर हो जाएंगे ओ मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया ओ सच के आएंगे दूल्हे राजा भैया राजा बजाएगा बाजा भैया राजा बजाएगा बाजा हाय डॉक्टर हेलो बेटा मेरी रिपोर्ट करण बेटा समझ में नहीं आता तुम्हें कैसे बताऊं और मैंने सेकंड ओपिनियन भी ले लिया है सेकंड ओपिनियन तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हें ब्लड कैंसर है क्या
हाँ बेटा। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप सब यहाँ प्रिया और करण को आशीर्वाद देने के लिए आए, जो आज अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एंड नाउ मे आई प्लीज रिक्वेस्ट प्रिया एंड करण टू जॉइन मी ऑन द स्टेज। यू आर लुकिंग चार्मिंग। थैंक यू पापा। Come on, beta. Karan. Huh. Sonia, tum? Haan, main. I know, Priya. I'm not invited. लेकिन मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था। करण, कल रात शादी का वादा तुमने मुझसे किया और अब यहाँ एंगेजमेंट प्रिया के साथ कर रहे हो। What nonsense? क्या बकवास कर रही हो तुम? एक्सक्यूज मी मिस प्रिया आर्य, अगर मेरी बात बकवास लग रही है तो अपने करण से क्यों नहीं पूछती तुम कि कल रात ये कहाँ था? ये क्या कह रही है करण? प्लीज प्लीज करण, कुछ तो कहो। आई डोंट बिलीव दिस। क्यों मिस्टर आशिक, इन्हें बताते क्यों नहीं कि कल रात तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की की बाहों में थे? प्रिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि करण को मैं अपना बनाकर रहूंगी। नाउ सी आई विन। करण प्लीज बता दो सबको कि ये सब झूठ है। सच सुनने की ताकत है तुम्हें प्रिया। सच? प्यार तो मैं तुमसे करता हूं पर शादी मैं सोनिया के साथ करूं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत सिंपल है, तुम तो जानती हो कि पैसा मेरी कमजोरी है और सोनिया के डैड बहुत अमीर हैं, तुम्हारे डैड से कहीं ज्यादा, और उन्होंने बिजनेस और प्रॉपर्टी में मुझे 50% का पार्टनर भी बना दिया। कैन यू बिलीव दैट? ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिया, लव यू, लेकिन बस बहुत खेल लिया मेरी फीलिंग्स के साथ। तुम इतना गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। करण, I hate you, Karan. Get out. हाँ मैं। तुम अच्छी तरह जानते हो देवराज कि पैसा टाइम पर ना लौटाने का क्या नतीजा होता है। देख ठाकुर, पैसे के लिए टेंशन मत ले, इंतजाम होते ही मैं दे दूंगा, प्लीज। हाँ देवराज, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, अगर 10 दिन तक तुमने पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। सोमनाथ, मैं उस खेत की मूली हूं जो हमेशा उल्टी बाहर निकलती है। तुम बेवकूफ आदमी हो जो मुझ पर विश्वास किया। देवराज प्लीज, मैं अब तक तुम्हें 25 करोड़ रुपए दे चुका हूं, तुमने कहा था कि इसके बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे।
मैंने झूठ बोला था। लेकिन लेकिन वेकिन छोड़ो सोमनाथ, रुपयों का बंदोबस्त करो। और हाँ सोमनाथ, इस बार पूरे 2 करोड़। दो करोड़? क्यों, कम है? ये अब इतना रुपया कहाँ से आएगा? अपनी गाड़ी बेच दो, बंगला गिरवी रख दो। देखो सोमनाथ, तुमने किसी और का फायदा उठाया था, मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ। रुपयों का बंदोबस्त होते ही फोन कर देना। तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? निकल जाओ, गेट आउट। सर आपको पूरा हक है मुझे डांटने का, अपने ऑफिस से बाहर निकालने का, लेकिन प्लीज मेरी सिर्फ एक बात सुन लीजिए। अब क्या बचा है सुनने को? तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है, इतना बड़ा धोखा। सर कल जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझकर किया था, प्रिया की भलाई के लिए। सर मैं एक चोर जरूर रह चुका हूं, लेकिन एहसान फरामोश नहीं हूं। मतलब? मेरी जिंदगी 2 महीने की मेहमान है, मुझे ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर? और तुमने किसी को बताया तक नहीं? और हम तुम्हारे बारे में क्या क्या कम से कम प्रिया को तो बता दिया होता, मैं उसे फोन करता। नहीं सर प्लीज, प्लीज आप उसे नहीं बताएंगे सर। कुछ दिन बाद वो मुझे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाएगी, इसी में उसकी भलाई है। और तुम्हारी माँ? नहीं सर, वो तो टूट ही जाएगी सर। किरण की शादी, सब कुछ कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो आपसे मदद मांगने आया था। किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है करण? काश काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन मेरे भी हालात ठीक नहीं है, मैं मजबूर हूं करण। ये ऑफिस, ये रुतबा, ये सब दिखावा है, महज एक दिखावा। हाँ एक रास्ता है, लेकिन अपने परिवार की खुशी के लिए इंसान कभी कोई ऐसी गलती कर बैठता जिसका जुर्माना उसे जिंदगी भर देना पड़ता। एक आदमी है देवराज, जो मुझे कई सालों से ब्लैकमेल कर रहा है, और अब तो नौबत ये आ गई है कि अगर मैंने उसकी डिमांड्स पूरी नहीं की तो शायद मुझे ये घर भी बेचना पड़े। प्रिया, जिससे तुम इतना प्यार करते हो, समझ में नहीं आता उसका क्या होगा। देवराज ने वो सबूत एक तिजोरी में रखे हुए हैं। देखो करण प्लीज, मुझे गलत मत समझना, लेकिन अगर अगर तुम वो सबूत ला सको, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी बहन की शादी की जिम्मेदारी मेरी होगी। तुम्हें जितना पैसा चाहिए होगा मैं दूंगा। नहीं सर, मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी माँ को वचन दे चुका हूँ, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। I'm sorry, सर, मैं अब चलता हूँ। नहीं बेटे, नहीं चुप हो जा। अरे इसे क्या हुआ? भैया, भैया मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? नहीं भैया, मुझे नहीं करनी। माँ, what's the problem? आज लड़के वाले आए थे, वो कह रहे थे 15 दिनों के अंदर शादी करनी होगी। उनकी हैसियत की शादी करने के लिए 5-7 लाख रुपए तो लगेंगे ही, इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? बस इसीलिए सुबह से रोई जा रही है। माँ तू चिंता मत कर, मैं उसे समझाता हूँ। भैया मैं ये शादी नहीं करूंगी, मैं तुम्हें और माँ को टेंशन में नहीं देख सकती। सब इंतजाम हो जाएगा किरण, तू फिक्र क्यों करती है? मैं हूं ना, तुझे अपने भाई पे भरोसा है ना? एक अच्छी सी स्माइल दे मुझे।
करण। सर, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मुझे क्या करना है। देखो करण, मैंने पहले भी कई बार कोशिश की कि वो सबूत मेरे हाथ लग जाए, लेकिन वो तिजोरी जिसमें वो सबूत है उसे आज तक कोई खोल नहीं सका। ये उसकी फाइल है। सर, ये तिजोरी तो जर्मन में क्या 1960 में बनाई गई थी। इसे तो सिर्फ 3 आदमी खोल सकते हैं। एक देवराज जो इस तिजोरी का मालिक है, दूसरा थॉमस लिंडवॉक जिसने तिजोरी बनाई, और तो तीसरा कौन? तीसरा मैं। थैंक गॉड। डोंट वरी सर, आज रात को फाइल आपके हाथों में होगी। बाय। हेलो देवराज, ठाकुर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ठाकुर। आज 10 दिन पूरे हो गए हैं, भाई के 2 करोड़ अभी तक नहीं पहुंचे। क्या करूं ठाकुर, अभी तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ। तुम अच्छी तरह जानते हो देवराज, भाई की किताब में गलती की सजा सिर्फ मौत है। क्या मौत? मौत जब देखो मौत। नहीं, नहीं। माँ, मैं जानता हूं मैं जो करने जा रहा हूं उससे तेरा दिल जरूर टूटेगा, पर मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माचिस मिलेगी क्या? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी। अरे सिम। हाँ? ओ, तो तुम्हारी पुरानी आदत है अब तक गई नहीं है। हवलदार, अरेस्ट हिम। आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? भैया, मिस्टर करण, मैं आपको देवराज के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। व्हाट? खून? मैंने किसी का खून नहीं किया। आपको जरूर कोई गलत फहमी हो रही है इंस्पेक्टर साहब। मेरा बेटा से कुछ नहीं कर सकता। आप इनसे क्यों नहीं पूछते कि कल रात ये कहाँ थे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं? माँ, मैं कल रात ये देवराज के घर पे थे, इन्होंने उनका खून किया और फिर चोरी। हाँ?
कौन? चोरी? ये सच है कि मैं वहां गया था और मैंने उसकी तिजोरी भी तोड़ी। प्लीज मेरा यकीन करो मां, मैंने उसका खून नहीं किया। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए, ले जाइए इसे, ले जाइए। माइनर रोगी है, मेरे भैया किसी का खून नहीं कर सकते। माइनर रोगी है, माइनर रोगी है। अरे ज्यादा वाला फाइल लाना। बोलो क्या है करण बेटा? सर, मुझे जैसे ही पता चला मैं यहाँ चला आया। ये सब हुआ कैसे? पता नहीं सर, मैं खुद हैरान हूँ। बिलीव मी सर, ये खून मैंने नहीं किया। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बड़े से बड़ा वकील करूँगा। क्या फर्क पड़ता है सर, फांसी से मर जाओ या कैंसर से? मुझे तो सिर्फ मां और किरण की फिक्र लगी है। हौसला रखो बेटा, ये मेरा वादा है तुमसे, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स गोइंग टू बी ऑलराइट। मां, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ तो ले लो। नहीं, मुझे भूख नहीं। माँ, तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। नहीं बेटा, तू खा ले। करण ने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया। नहीं माँ, नहीं। करण जैसा बेटा तो किस्मत वालों को मिलता है माँ। उसने जो कुछ भी किया तुम्हारी खुशी के लिए किया, किरण की शादी के लिए किया माँ। उसने तुझे बताने से मना किया था, लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। सच तो ये है माँ, करण अब कुछ ही महीनों का मेहमान है। क्या 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 मतलब? करण को ब्लड कैंसर है माँ। भगवान, ये क्या हो गया? ये तूने क्या किया? मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, तूने मेरे पति को छीना, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं तुझसे अपने करण की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। भगवान, मैं कसम खाती हूँ कि जब तक तू मुझे मेरा करण नहीं लौटा देगा, मैं पानी की एक बूंद तक नहीं पीऊंगी। देखती हूँ तू कब तक मेरी परीक्षा लेगा। मेरे करण की जिंदगी मुझे दे दे भगवान, बदले में तू मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे करण को मुझे दे दे, मुझे दे दे भगवान, मेरे करण को मुझे दे दे। हाय प्रिया। ओ हाय सोनिया। प्रिया, मैं तुमसे कई दिनों से कुछ कहना चाह रही थी। Oh, really? Actually, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती थी। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। अगर उस रात तुम मुझे करण की सच्चाई नहीं बताती, तो शायद आज मैं एक चोर और एक खूनी की बीवी कहलाती। थैंक्स अ लॉट फॉर द फेवर, बाय। सुनो प्रिया, सच तो ये है कि उस रात करण ने सब नाटक किया था और मैं उस नाटक में शामिल थी। प्रिया, करण को ब्लड कैंसर है। उसने जो कुछ भी किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। वो आज भी तुम्ही से प्यार करता है प्रिया, सिर्फ तुम्ही से। करण,
करण। प्रिया, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ करण। I'm truly sorry. जरूर मेरे प्यार में कोई कमी होगी जो तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। कौन सी बात? सुनने ने मुझे सब कुछ बता दिया है। What? इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। जो होना था वो हो गया। मैं रहूं या ना रहूं, तुम हमेशा खुश रहना। तुम समझते क्या हो कि मैं तुम्हारे बगैर जी पाऊंगी करण? I can't live without you, करण। I can't live without you. I can't live without you. प्रिया, प्रिया। नहीं निकालोगे तो मैं तोड़ूंगा। मैं सेंट्रल जेल हॉस्पिटल से डॉक्टर हिंदुजा बोल रहा हूँ। आपकी बेटी प्रिया का एक्सीडेंट हुआ है, आप जल्दी आ जाइए प्लीज। देखिए इनका खून बहुत बह चुका है और ए बी नेगेटिव ग्रुप का खून हमारे पास है नहीं। अगर इन्हें फौरन खून नहीं दिया गया तो माफ कीजिए, आपकी बेटी को जान का खतरा है। प्लीज आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए जल्दी। तुम भी तो डॉक्टर हो, कुछ करो ना यार। अंकल, अंकल प्रिया कैसी है? क्या हुआ उसे? होश आया उसे? नहीं बेटे, खून बहुत बह चुका है और उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, वक्त बहुत कम है। करण, तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी तो एबी नेगेटिव है। आप मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए लेकिन प्रिया को बचा लीजिए। तो चलो मेरे साथ आओ। लेकिन डॉक्टर, मैं खून कैसे दे सकता हूँ? मुझे तो ब्लड कैंसर है। नहीं करण, तुम दे सकते हो। आप क्या बात कर रहे हैं सर? तुम्हें ब्लड कैंसर नहीं है क्या? मैंने तुमसे झूठ बोला था। झूठ? अबे डॉक्टर, इस झूठ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों डॉक्टर, क्यों? इतना बड़ा झूठ बोलने की तुम्हें क्या जरूरत थी डॉक्टर? वो सब मैं बाद में बता दूंगा, अभी तो हमें प्रिया बेटी की जान बचानी है और हमारे पास समय बहुत कम है। आप सब आइए प्लीज, प्लीज आइए। वो उस तरफ जी। हाँ सैंडविच, प्रिया कैसी है? प्रिया बहुत अच्छी है, उसकी फिक्र मत कर तू। एक चीज समझ में नहीं आती, डॉक्टर ओबेरॉय ने झूठी रिपोर्ट क्यों बनवाई यार? उसको तो मैं बाद में देख लूंगा। चल तू फिक्र मत कर, ये ले माँ ने प्रसाद भेजा है, खा। ये ले तू भी खा। हाँ यही कैमरा तो देवराज की सेफ के ऊपर था। हाँ? हो सकता है असली कातिल का चेहरा इसी में कैद हो। यार तू कुछ भी कर, देवराज के घर में जा और वो टेप चुरा ला प्लीज। मैं यहां से निकलने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, ये समझ के टेप मेरे हाथ में आ गया। माँ जी, आप शायद मुझे नहीं जानते। मैं जानती हूं तुम कौन हो। तुम अर्जुन सिंह हो, तुम वही हो जिसने मेरा सुहाग उजाड़ा था। इतनी बड़ी गाली मत दीजिए माँ जी, आपके पति की मौत हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की एक गलती थी जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जिस अनाथ आश्रम में मैं पलकर बड़ा हुआ हूं वो अनाथ आश्रम आपके पति के डोनेशन से चलता था। आज मैं जो भी हूं उनकी वजह से हूँ। एक तरह से वो हमारे हम सब के पिता ही थे। करण उनका बेटा है इसलिए खूनी नहीं हो सकता। आपसे वादा करता हूँ उसको कुछ नहीं होगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
चैन सर। यही है सर वो। हाँ जी विष्णु जी। सिंधे आ जाए। सिंधे आ जाए। हाँ सर सिंधे आ जाए। नहीं देखिए आपका मैसेज। करण। सर आप? सर मैं सब जानता हूँ। सीबीआई ऑफिसर हूँ। तुम चोरी तो कर सकते हो लेकिन खून नहीं। थैंक यू सर। सर मुझे सिर्फ एक चांस दीजिए यहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर जाने का। मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा। मेरे हाथ बंधे हुए हैं और वे सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। लेकिन फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलाएगा। ऑल द बेस्ट। कमिश्नर साहब ने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया है। अगर वो आपसे मिलने की कोशिश करे तो फौरन हमें खबर करे, इसी में उसकी भलाई है। हे भगवान। डॉक्टर करण क्यों झूठ बोला था? किसके कहने पे मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है तू? बताता हूँ, मुझे माफ कर देना बेटा। मैं मानता हूँ कि मैंने तेरे ब्लड रिपोर्ट की फाइल बदली थी और मैंने तुझे धोखा भी दिया था, मगर मैं मजबूर था बेटा। मैं और करता भी क्या। इस टेप में करण की बेगुनाही का सबूत है। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन उसे जेल से नहीं भागना चाहिए था। लेकिन पापा। लेकिन हेलो प्रिया। हाँ करण। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या सैंडविच वहाँ पहुँचा है? हाँ सैंडविच तो पहुँच गया और वो टेप भी हमारे हाथ लग गई। तुमने वो टेप चलाई? नहीं बस देख ही रहे थे। देखो प्रिया मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, सुनो। हेलो 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 करण, देखो इस वक्त तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है, पुलिस कभी भी यहाँ आ सकती है। तुम एक काम करो, मेरे वर्ली वाले ऑफिस में पहुंचो। ओके सर। ओके। कौन है आप लोग, क्या चाहिए? पापा! देखिए भाई साहब, वो गलतफहमी हो गई है। इस कैसेट में कौन बने करोड़पति का जो एपिसोड है ना, उसमें मेरी एक बहन है जो 5 लाख रुपए जीतती है। वो पापा, इन्हें रोकिए पापा। देखिए ये टेप आप यहाँ से नहीं ले जा सकते, ये मैं आपको नहीं ले जाने दूंगा। ए, एक भी कदम आगे बढ़ा तो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा तू। ऐसी भी क्या जल्दी है? अरे साले कैसे नहीं नहीं डरे तुम्हारा पास तो कैसे डरे? चले सर, इसमें असली कातिल का चेहरा है और मेरी बेगुनाही का सबूत भी। ठीक है देखते हैं।
सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसका खून नहीं किया, मैंने सिर्फ चोरी की है। तुम चिंता मत करो करण, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने वकील से बात करूंगा। करण, चलो बेटी अब हमें यहां से चलना चाहिए। करण प्लीज बेटा, करण चलो प्लीज। इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं पिछले 22 साल से तुम मुझे ब्लैकमेल करते आ रहे हो, लेकिन बस ब्लैकमेल नहीं, तुमने अपनी जिंदगी में एक छोटी सी गलती की है जिसका तुम आज तक मुआवजा भर रहे हो। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरा ससुर मरने से पहले अपनी सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम कर गया था। तुम्हारी धर्म पत्नी ने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया, और अगर ये बात दुनिया वालों को पता चल जाती तो तुम्हारे इन हाथों में फूटी कौड़ी नहीं होती, कटोरा लेके घूमते रहते तुम। तैश में आकर तुमने अपनी धर्म पत्नी का गला दबा दिया, उसे जान से मार दिया और तुम्हारा हमराज बना डॉक्टर ओबेरॉय, जिसे तुमने बेवकूफ बनाया कि प्रॉपर्टी के अंदर तुम उसको अपना पार्टनर बनाओगे और उसकी बेटी प्रिया को तुमने अपनी बेटी बना लिया। बेटी प्रिया जिसका असली बर्थ सर्टिफिकेट आज तक मेरे पास है, जिसकी वजह से तुम एक कठपुतली की तरह मेरे इशारों पर नाचते हो, और मैं उस अस्पताल का एक मामूली सा वार्ड बॉय, उस काली रात का इकलौता गवाह जिसका मुआवजा तुम आज तक भर रहे हो। और आज देवराज, आज मैं उस मुआवजे की आखिरी किश्त देने आया हूं। शट अप। सुना नहीं तुमने, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। तुम्हारा बाप वो डॉक्टर जिसे मैं बहुत पहले ऊपर पहुंचा चुका हूं। सोमनाथ, तुम गलती कर रहे हो। गलती तुम कर रहे हो। वो टेप मुझे दे दो, वरना मैं इसे गोली से उड़ा दूंगा। Come on, move! जी तो ठीक तो है ना? माँ जी, करण की बेगुनाही का सबूत मिल गया और असली कातिल को सजा भी। आपका एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया है। नहीं माँ जी, एहसान तो आपके पति के मुझ पर है, जिनकी वजह से आज मैं इस लायक बन पाया कि आपके काम आ सका। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। करण, जिंदगी में कभी भी कोई भी तकलीफ आए तो याद रखना, इस शहर में तुम्हारा बड़ा भाई भी है।